हेलो गाइस, मैं हूं अमित। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पपीता वर्सेस मोल्टन एल्यूमिनियम। इस पपाया के अंदर एक छेद करके उसमें डाल देंगे पिघला हुआ एल्यूमिनियम, फिर देखते हैं किस तरीके का एल्यूमिनियम का शेप बनता है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई, यहाँ पर हमारा पपीता आप लोग देखो, एकदम पका हुआ, एकदम बढ़िया सा पपीता है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक होल बनाना होगा जिसमें हम एल्यूमिनियम डाल सके। तो भाई, इसके लिए इस पाइप का यूज हम करेंगे और इसको कुछ इस तरीके से रखेंगे और इसमें भाई साहब यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से घुमा करके, बहुत इजी है इसमें होल बनाना। ओहो, इसके अंदर का जो पार्ट है ना, वो इसके अंदर ही गिर गया, ये रहा देखो। और इसके बीच में ज्यादा बाहर नहीं निकालना चाह रहा, तो अब इसके अंदर हम इजिली एल्यूमिनियम डाल सकते हैं। लेकिन भाई, एल्यूमिनियम कहाँ है? एल्यूमिनियम हमारा एकदम तैयार है, गर्म हो चुका है। तो आपको दिखाते हैं कि एल्यूमिनियम कहाँ है। आओ इधर, यहाँ पर इस भट्टी के अंदर जो एल्यूमिनियम है वो एकदम मोल्टन हो चुका है। तो इसको हम करते हैं बंद और इसका जो ढक्कन है भाई, सबसे पहले तो उसको हटाते हैं। देखने में आपको ये गैस सिलेंडर लगेगा, लेकिन ये एक्चुअली में एक फर्नेस है जो कि हमने खुद ने बनाई है। उसकी वीडियो भी अलग से आपको मिली जाएगी। और ये जो एल्यूमिनियम है, आप लोग देखिए, एकदम गर्म हो रखा है, मोल्टन हो रखा है, लिक्विड दिखेगा आपको अलग ही, है ना भाई। एल्यूमिनियम को निकालते हैं फर्नेस से बाहर और वास्तव में ये बहुत ज्यादा गर्म है, पूरा भरा हुआ है। हम इसके अंदर डालेंगे, मुझे ये पता है कि एक्सप्लोजन तो नहीं करेगा, लेकिन छोटे मोटे जो बबल्स हैं वो यहाँ पर निकल सकते हैं। कोशिश करेंगे कि सारा इसके अंदर ही डले। और भाई साहब, काफी ज्यादा है, भारी भी काफी है, ये डाल दूं? डालो, ये लो भाई। तो भाई, जो बचा हुआ है वो एल्यूमिनियम भी इसमें डाल ही देते हैं। डाल दूं? लो भाई। तो भाई, इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि काफी ज्यादा धुआं निकल रही है, लगभग 1.5-2 मिनट इसको हो गया है। और अब जो है, धीरे धीरे जाकर के ये हिलना बंद हुआ है। काफी देर तक जो हमारा पपीता था वो यहाँ पर हिल ही रहा था, और डालते टाइम ये शेक करने लग गया, इसकी वजह से मैं पीछे हो गया और यहाँ पर जो है काफी ज्यादा एल्यूमिनियम बिखर भी गया, जो कि सॉलिडिफाई हो गया होगा आई थिंक। तो भाई, लेकिन ये भी काफी ज्यादा गर्म है अभी। लेकिन यार, इसके अंदर आप लोग देखो कि अभी भी आपको एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा होगा। और भाई, इसका जो टुकड़ा था ना, जो इसके अंदर रह गया था, जो फंस गया था, जिसको हमने इस पाइप से हटाया था ना, वो बाहर निकल के गिर गया। आई डोंट नो कैसे निकल गया, ये इस छेद में से ही निकला है लेकिन। और अब जो है, ये ठंडा तो नहीं हुआ होगा, तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही कुछ देर के लिए। लेकिन भाई, जैसे ही डाला ना, एकदम से ऐसे हो गया जैसे बड़ा बम होता है, हिलने लगता है। बट फॉर्चुनेटली ये कोई पटाखा नहीं है, ये सिर्फ एक पपीता है। तो भाई, इसको लगभग यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और इसमें से अभी भी ये निकल रहा है भाई। एक्चुअली में ये धुआं नहीं है, आप ध्यान से देखोगे ना, ये यहाँ पर जाके गायब हो जाता है। ये एक्चुअली में है भाप, और इसके अंदर जो पानी है पपीते में, एक्चुअली वो भाप बन रहा है। तो सबसे पहले इसको उधर की साइड में गिराता हूँ, तो पता लगेगा हमें। नहीं यार, इसको गिराना नहीं है, इसको काटते हैं। चाकू हाथ में है ना, काटने का मन ज्यादा किया। ओहो, अंदर से जो है, ओहो भाई साहब, ये तो ऊपर से गर्म ही नहीं है यार, ये क्या हुआ? ऊपर से मैं हाथ से पकड़ रखा हूँ इसको, पता है। लेकिन एल्यूमिनियम जो है ना इसके अंदर, वो तो बहुत ज्यादा गर्म ऑब्वियसली है अभी भी, क्योंकि इसको ज्यादा टाइम हुआ नहीं है।
दो टुकड़े आपके सामने होने वाले हैं इसके। और भाई आपके सामने आ गया पपीता जो कि अंदर से तो भुन गया है और बाहर से एकदम सही दिख रहा था। और अंदर जो एल्यूमिनियम है वो आप लोग देखो कि किस तरीके से उसने एक शेप ली है। अरे वाह यार क्या कास्टिंग बनी है देखो। और ये जो है ना ओरिजिनल कास्टिंग है, ऐसा नहीं है कि कुछ बनाया गया है, ओरिजिनल पपीते में ये बना हुआ है। और हमारा जो पपाया है वो अब शायद खाने लायक तो रहा नहीं होगा, खाने लायक है बट आई डोंट थिंक इसको कोई खाना जाएगा अभी। एक बात तो है कि इसको बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, सिर्फ इसका जो अंदर का एक पपड़ी कह सकते हैं सिर्फ वो जली है और देखो उससे नीचे एकदम ठीक सा निकलता है, लेकिन गर्म हुआ होगा तो पपीता सिक भी गया होगा। इसको ठंडा करते हैं हम, देख रहे हो कितना गर्म है ये। मतलब इसको कितना भी पानी डाल लो इसको ऐसे ही रहना है। तो भाई यहाँ पर ये हो चुके एकदम ठंडा और इसके अंदर है भाई काफी ज्यादा वजन भी मेरे हिसाब से लगभग ये 1.5-2 किलो होगा, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, मैं सिर्फ अंदाजे से बता रहा हूँ। और साथ ही साथ में यार क्या शेप बनी है इसके ऊपर, यहाँ पर जैसा पपीता में होता है बिल्कुल उसी तरीके के गड्ढे बने हैं, लेकिन पपीता में निकला हुआ होता है, इसमें दबा हुआ है ऑब्वियसली क्योंकि ये उसके अंदर हमने भरा था। यहाँ पर आप देखिए एक अलग ही स्ट्रक्चर बनी है जो कि पपीते के अंदर होती है और ये जो है लगभग यहाँ तक भर सकता था शायद, लेकिन जो मोल्टन एल्यूमिनियम है वो निकल करके बाहर गिर गया। आप लोग यहाँ पर देखो नीचे गिरा हुआ ही है काफ़ी सारा। और क्या हुआ कि ये वाला जो टुकड़ा है ना भाई, ये वाला जो पीस है पपीता का जो इसके अंदर रह गया था पाइप से कटा हुआ, ये एक्चुअली में तुरंत से बाहर निकल गया। लेकिन ये जो चीज़ बनी है ना यार, ये तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो अगर आपको मज़ा आया इस वीडियो में तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई भी मस्त आइडिया है जो हम कर सकते हैं तो फटाफट से नीचे कमेंट्स में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।